बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की एप्लीकेशन के हवाले से दो अल्टरनेटिव टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स कंसिडर किए जाते हैं। एक को ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है और दूसरे को डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। इन दोनों प्रिंसिपल्स के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस। आज हम इस बुनियादी फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज़रा पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन को जरा देखते हैं। अज्यूम कीजिए कि एक जुरिसडिक्शन एक्स है और एक जुरिसडिक्शन वाई है। ये दोनों जुरिसडिक्शन आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और इन्होंने एग्री किया है कि इस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन के प्रिंसिपल के दो मेन फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि इसमें जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसको टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन रीजन, और दूसरा कि इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं किया जाता, इंपोर्ट्स आर नॉट टैक्स। इसके साथ हम थोड़ा सा अज्यूम ये करते हैं कि जुरिसडिक्शन एक्स के अंदर टैक्स का रेट 10% है, तो अगर कोई प्रोडक्ट हो जिसकी प्री टैक्स वैल्यू 100 हो तो टैक्स की अमाउंट 10 आ जाएगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट है जुरिसडिक्शन एक्स के अंदर बनाई जा रही है और बेची जा रही है जिसकी प्री टैक्स वैल्यू 100 है, तो 10% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स का रेट उसका टैक्स 10 आ गया और फिर सेलिंग प्राइस उसकी 110 आ गई। अज्यूम कीजिए कि ये प्रोडक्ट जो है अब एक्सपोर्ट की जा रही है जुरिसडिक्शन वाई के अंदर, और जो हमें देखा है कि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होगा। एक्सपोर्ट करते हुए टैक्स का रेट अप्लाई होगा वो वाला जो ओरिजिन की जुरिसडिक्शन के अंदर एप्लीकेबल है, विच इज 10%। तो प्री टैक्स वैल्यू अगर 100 है और एक्सपोर्ट करते हुए जुरिसडिक्शन एक्स का 10% का रेट अप्लाई किया जाए तो फिर 110 वैल्यू होगी जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आउट हो रही होगी जुरिसडिक्शन एक्स से। जब प्रोडक्ट जुरिसडिक्शन वाई के अंदर इंपोर्ट हो रही है तो हमने देखा है कि इंपोर्ट्स आर नॉट टैक्स्ड, तो फिर इस 110 के ऊपर कोई टैक्स ऐड नहीं होगा और ये प्रोडक्ट जो है वो 110 की अवेलेबल होगी जुरिसडिक्शन वाई के अंदर। हम ये ज़ूम करते हैं कि जुरिसडिक्शन वाई के अंदर टैक्स का रेट 15% है। हम ये ज़ूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट जुरिसडिक्शन वाई के अंदर बनाई जा रही है जिसकी प्री टैक्स वैल्यू 100 है, तो 15% के हिसाब से इसके ऊपर 15 टैक्स आया और सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट की 115 है। ये प्रोडक्ट जुरिसडिक्शन वाई के अंदर बनाई और बेची जा रही है। हम ज़ूम करते हैं कि ये प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट की जा रही है वाई से एक्स के अंदर। एक्सपोर्ट करते वक्त हमने देखा है कि टैक्स का रेट वह वाला लगेगा जो ओरिजिन के अंदर एप्लीकेबल है। इस केस में जुरिसडिक्शन वाई ओरिजिन है तो इसके ऊपर टैक्स का रेट 15% अप्लाई होगा। हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्री टैक्स वैल्यू 100 है, तो फिर 15% जब टैक्स का रेट अप्लाई होगा तो प्राइस इसकी 115 आ जाएगी। और हमने दूसरा प्रिंसिपल ये देखा था, दूसरा फीचर ये देखा था कि इंपोर्ट्स को टैक्स नहीं किया जाता ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन के अंदर। तो जब ये प्रोडक्ट जो है जुरिसडिक्शन वाई से एक्स में जाएगी तो एक्स के अंदर बहाल इसके ऊपर मजीद जो इंडियन टैक्स है वैट या जीएसटी वो ऐड नहीं किया जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट जो है वो 115 की वहाँ मिल रही होगी। या एक मिनट के लिए हम ये अज्यूम करें अगर कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो जुरिसडिक्शन एक्स के अंदर या जुरिसडिक्शन वाई के अंदर बनाई जा रही हैं फीचर्स के हिसाब से ये एक जैसी हैं, तो फिर अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स के हवाले से जो कस्टमर्स हैं वाई और एक्स के अंदर उन्होंने चूज करना हो तो ला महाला दोनों जुरिसडिक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट प्रेफरेंस हासिल कर रही होगी वो जुरिसडिक्शन एक्स की प्रोडक्ट होगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जुरिसडिक्शन एक्स की प्रोडक्ट जो है वो चूंकि जुरिसडिक्शन एक्स में 10% रेट है तो वो दोनों जुरिसडिक्शन में सस्ती है। जुरिसडिक्शन एक्स के अंदर भी वो प्रोडक्ट सस्ती है, जब वो प्रोडक्ट जुरिसडिक्शन वाई में जा रही है तब भी सस्ती है, और इसके कंपैरिजन में जुरिसडिक्शन वाई की प्रोडक्ट जो है वो जुरिसडिक्शन वाई के अंदर भी महंगी है और जब वो एक्सपोर्ट होकर एक्स में पहुंचती है तो वहां पर भी महंगी है। तो अगर फीचर्स एक जैसे हैं इन प्रोडक्ट्स के अगर हम ज्यूम करें तो फिर ये प्रोडक्ट जो है एक्स वाली वो ज़्यादा प्रेफरेंस हासिल करेगी। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं साथ कि एक्सपोर्ट के वक्त जो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन या इससे लिंक दूसरी कॉस्ट वगैरह होती हैं उनका इजाफा इसमें नहीं हो रहा। चलिए अब जरा हम ये देखते हैं कि अगर डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए इसी किस्म की एग्जाम्पल के ऊपर, मिसाल के तौर पर इसमें जो एक्स और वाई जैसा हमने देखा
और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में वो इन्वॉल्व हैं और एग्री कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल का टैक्सेशन अप्लाई किया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल के जो दो फीचर्स हैं, उसमें पहला फीचर है कि एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब ये है कि टैक्स लगता है 0% के हिसाब से, जिसका फायदा ये होता है कि एक्सपोर्टर को इनपुट्स या रिफंड्स मिल जाते हैं, तो एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट के ऊपर ओरिजिन की जो जुरिस्डिक्शन है उसका टैक्स का एलिमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। अच्छा जी, वो फिल्टर आउट हो जाता है। और इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन डेस्टिनेशन। इसके साथ हम अगर ज्यूम करें कि एक प्रोडक्ट है 100, उसकी प्री टैक्स वैल्यू है 10%, टैक्स का रेट अप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट जिसने एक्स के अंदर 110 की मिल रही है। अगर इसको एक्सपोर्ट करना है जिसने वाई के अंदर, तो एक्सपोर्ट के वक्त एक्सपोर्ट इज गोइंग टू बी जीरो रेटेड, यानी कि प्री टैक्स वैल्यू 100, 0% टैक्स, 100 ही उसकी सेलिंग प्राइस होपफुली आ जाएगी एक्सपोर्ट करते हुए। जब ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है जिसन वाई के अंदर, तो फिर उसके ऊपर टैक्स का रेट लगना है कौन सा, इंपोर्ट्स आर टैक्स एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन डेस्टिनेशन। तो यहाँ ये डेस्टिनेशन कौन सी है, वाई। वाई के अंदर टैक्स का रेट 15% है, तो ये जो प्रोडक्ट 100 की है इसके ऊपर 15% टैक्स ऐड हो जाएगा इंपोर्ट के वक्त, और ये प्रोडक्ट 115 की अवेलेबल होगी। अब देखिए, जिसने एक्स के अंदर ये प्रोडक्ट 110 की थी, और अब यही प्रोडक्ट जिसने वाई के अंदर 115 की है। हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है अगेन कि इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन या इससे लिंक जो दूसरी कॉस्ट हैं उनका कोई इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, इससे ज़रा कंपेरिजन में आसानी है हमारे लिए। तो ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई है जब ये जिसन वाई के अंदर जा रही है, सिर्फ ये हुआ है कि जो टैक्स का रेट फर्क है जिसन वाई के अंदर जो ज़्यादा है, उसकी वजह से इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हम ज्यूम करते हैं कि वाई की अपनी प्रोडक्ट है जिसकी प्री टैक्स वैल्यू 100 है, और वो प्रोडक्ट जो है 15% के हिसाब से 15% टैक्स ऐड होके वो जिसमें वाई के अंदर 115 में मिल रही है। और अगर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आउट होती है जिसमें एक्स के अंदर, एक्सपोर्ट के ऊपर 0% टैक्स लगेगा और इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो लगेगा जो डेस्टिनेशन यानी कि जिसमें एक्स के अंदर एप्लीकेबल है, तो 100 के ऊपर अगर 10% टैक्स ऐड होगा तो वो फिर 110 की वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रही होगी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अज्यूम करें हम, तो जो कस्टमर है उसके पास जो उसने चूज करना है जिसमें वाई या एक्स के अंदर, वो फीचर्स के हिसाब से वो चूज करेगा क्योंकि प्राइसिंग वो सेम हो गई है। यहाँ वैट का न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है कि वैट जो है उसको प्राइमरी इन्फ्लुएंस नहीं बनना डिसीजंस के ऊपर, वो मीट होता हुआ नजर आता है, जबकि जो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन है उसके अंदर समहाउ ये प्रिंसिपल कंप्रोमाइज होता हुआ नजर आता है। होपफुली इस एग्जांपल के साथ आपने ओरिजिन और डेस्टिनी बेस्ड टैक्सेशन का जो बुनियादी फर्क है वो समझ लिया होगा। कुछ क्रेडिट्स दी यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट को, जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ा क्रिस्प सा और अच्छा सा आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश हुआ था ओमान ऑब्जर्वर में 5 सितंबर 2017 को। सो थैंक यू मिस डॉक्टर रॉबर्ट, क्योंकि उस आर्टिकल से भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में शामिल की हैं। होपफुली जी आपको ये समझ आया होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, इन प्रिंसिपल्स के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ और भी डिफरेंसेज इनके अंदर हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।